तमाम बड़े नेता मंच पर पहुंच चुके हैं। खुद अखिलेश यादव मौजूद हैं, राहुल गांधी मंच पर हैं, साथ ही संजय सिंह भी पहुंचे हैं। और इस बीच अखिलेश यादव रैली को संबोधित कर रहे हैं, सीधा रुख करते कन्नौज का। अपने कन्नौज के लोगों को कभी मैंने छोड़ा नहीं। एक कन्नौज का एक लंबा समाजवादी इतिहास है जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से शुरू होता है, नेताजी से लेकर के, और जब भी समाजवादी पार्टी ने जिसको आपके बीच में लड़ाया होगा, आपने ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम किया। और जब मैं जीता हूं तो इस कन्नौज को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया है। इसी कन्नौज में जितने भी बड़े बड़े काम आज दिखाई दे रहे हैं, सबके सब समाजवादियों के किए हुए हैं। अगर कोई हाईवे पे चलता होगा तो वो जानता होगा कि समाजवादियों का हाईवे है। कोई चला होगा, लेकिन हाईवे को हम लोगों ने कभी धुलवाया नहीं होगा। जो लोग आज के दिन जब हम याद कर रहे हैं और अपने परशुराम जयंती के दिन, अक्षय तृतीया के दिन जब ये कार्यक्रम होने जा रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि कन्नौज की जनता, ऐसे लोग जो हमारे और आपके बीच में दीवार बन करके खड़े हैं, समय समय पर इस समाज को तोड़ने का संदेश देते हैं, उन सब को आप धोने का काम करोगे। एक एक वोट डाल करके धोने का काम करोगे। वैसे तो चोरी में झगड़ा तभी होता है जब बंटवारा ठीक से नहीं होता है। चोरों में झगड़ा तभी होता है जब चोरी की चीज का बंटवारा ठीक ना हो। और हमें तो वो दिन भी याद आ रहे हैं जो लोग कहते थे बादलों की वजह से रडार से दिखाई नहीं देता है और नाले की पाइप से गैस निकाल करके चाय बनाई जा सकती है। आज वही लोग और उनके सहयोगी लोग कह रहे हैं कि जो वैक्सीन निकाल ली है, जो वैक्सीन लगवाई है, जिनके पास ऐसा ज्ञान है तो उन पे ये भी तो ज्ञान होगा कि वैक्सीन जो लग गई है वो वैक्सीन कैसे निकाली जाएगी। मैं बहुत लंबी बातें नहीं कहना चाहता हूं। हमारा किसान, नौजवान और इस देश की जनता बदलाव चाहती है। बीजेपी के लोगों ने तो देखिए यहाँ पर कन्नौज में इंडिया गठबंधन की ये संयुक्त रैली, और यहाँ से लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से अखिलेश यादव किस तरह से सत्ता पक्ष यानी बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ये भी कहा कि कन्नौज से उन्होंने कभी भी दूरी नहीं बनाई। आपको बताते हैं कि इस बार कन्नौज से ही चुनावी मैदान में है अखिलेश यादव, और ऐसे में यहाँ झूठे देकर के गुमराह करने का काम किया है। हम सब मिलकर के इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी मिलकर के इनको सबक सिखाने जा रही है। ये लोग जो हमारे आपके पीछे और संविधान के पीछे पड़े हैं, जो अपने आप को कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, ये बड़ी बड़ी होर्डिंगे आप इनकी देखो, जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाए हैं, जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते थे, उनका एक इंजन गायब है। और जिस इंजन के लिए वोट मांगने आ रहे हैं वो खटारा इंजन तो कहीं होर्डिंग पे दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं, मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद देता हूं।
कि जिन्होंने यहाँ आकर के और अपील हम लोगों के लिए करने आए हैं, हमारा आपका मनोबल बढ़ाने आए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग उनकी बात भी सुनेंगे और उन्हें बधाई भी देंगे कि जो उन्होंने यात्राएं की हैं, चाहे वो न्याय यात्रा हो या मोहब्बत को लेकर के उन्होंने जो भाईचारे को लेकर के मिलीजुली संस्कृति को लेकर के यात्राएं की हों, और आज जब वो कन्नौज में आए हैं, अगर मोहब्बत और सुगंध मिल जाए तो सोचो कितना परिवर्तन हो सकता है। और हम अपने कन्नौज के लोगों को भरोसा दिला सकते हैं, जो हमारे विकास की सुगंध रोकी है उस विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आज के दिन जब आप वोट डालने जा रहे हैं कुछ दिन बाद, मैं एक ही अपील आपसे करना चाहता हूं कि आज जब आप आए हैं, आज के बाद कल आखिरी दिन होगा प्रचार का, उसके बाद प्रचार नहीं हो पाएगा। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि अपने गांव अपने बूथ पर जाकर के समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल के साथ साथ वोट डलवाने की तैयारी करना। हम लोग आ पाए ना पाए, बताओ आप लोग तैयारी करोगे बूथ पर? और अब तो बीजेपी की हार होने में केवल 4 कदम बाकी हैं, केवल 4 चरण, 4 कदम 4 चरण बाकी हैं केवल। और ये चौथे चरण का चुनाव बिल्कुल बीच का चुनाव है। अभी तक तो वो नीचे जा चुके हैं बहुत, ये चौथे चरण का चुनाव जो बिल्कुल बीच का चुनाव है, बताओ भारतीय जनता पार्टी का पूरा बैलेंस खराब कर दोगे कि नहीं करोगे? बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपने कन्नौज के सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं, मंच पर उपस्थित सभी नेताओं का धन्यवाद देता हूं। मैं एक बार फिर राहुल गांधी जी का कन्नौज शहर में जो ऐतिहासिक शहर है, हमारा न केवल इतिहास पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है, बल्कि सुगंध और यहाँ के व्यापार की वजह से कन्नौज की एक अलग पहचान है। मैं अपने कन्नौज के लोगों का भरोसा दिलाता हूँ कि कन्नौज की पहचान को और ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, आप देख रहे हैं किस तरह से मैंने कन्नौज को विकास की राह पर लेकर आया हूं। हम बीजेपी को सबक सिखाने जा रहे हैं, इस तरह से निशाना साधते नजर आए अखिलेश यादव। साथ ही कहा कि किसान नौजवान जनता बदलाव चाहती है। बीजेपी की हार में 4 कदम 4 चरण बाकी हैं। अखिलेश यादव इस वक्त इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली को संबोधित कर रहे हैं कन्नौज में। आप देख सकते हैं यहां भारी भीड़ इस रैली में, इंडिया गठबंधन की ये संयुक्त रैली जिसमें अखिलेश यादव के साथ साथ राहुल गांधी, संजय सिंह भी मौजूद हैं और यहां से इंडिया गठबंधन की ताकत का एहसास दिला रहे हैं। उधर बीजेपी पर लगातार निशाना भी साधते नजर आए। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि चोरी में झगड़ा तब होता है जब बंटवारा ठीक से नहीं होता है। किसान नौजवान और जनता बदलाव चाहती है।